मतलब आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और ये इतना क्यूट है यार, ये कितना क्यूट लग रहा है। सो हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे एक बहुत ही चीप वे। तो मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या करेगा। सो माई हेयर इज डन, इतने सारे अरे तो चलो चलते हैं। और ये है मेरी टिप नंबर 1। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं फाइनली, बहुत खुशी है। और आप लोगों से मैंने कुछ दिन पहले पूछा था कि मैं अब नेक्स्ट क्या व्लॉग बनाऊं या क्या डालूं, तो आप में से किसी एक ने बोला था कि ये ट्राई करो। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ शेयर करूं कि मैं अपना न्यू ईयर कैसे स्टार्ट करती हूँ फॉर माई स्टडीज़, माई एकेडमिक्स ईयर। और आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि मैं अभी 7th में जा रही हूँ। आई थिंक 7th थोड़ा इम्पोर्टेंट क्लास है और बड़ी क्लास है, इसलिए मुझे स्टडी पे और फोकस करना पड़ेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊँगी जो मैं यूज़ करती हूँ पढ़ने के लिए, और लाइक मैं अपना न्यू ईयर कैसे स्टार्ट करती हूँ फॉर माई स्टडी। और अगर आपका भी स्कूल का एकेडमिक ईयर अभी स्टार्ट हुआ है तो जल्दी से लाइक कर दो ताकि मुझे भी पता चल जाए, और चैनल का सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, तभी तो आपको पता चलेगा मेरे वीडियोस कब आएंगे। और आज की वीडियो ना इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं थोड़ी सी शॉपिंग पे जाऊंगी जहाँ मम्मी मुझे मना करेगी बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए, पर फिर भी मैं खरीदूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। 2000 years later. तो पहले कर लेते हैं थोड़ी पेट पूजा। तो ब्रेकफास्ट में है दूध, ऑफ कोर्स दूध तो होगा ही, और साथ में साबूदाना की खिचड़ी। सो लाइक ये मैंने बहुत बहुत टाइम से नहीं खाई है, तो खाते हैं। वेरी टेस्टी, मैं आपको मिलती खाने का। सो अभी मैं कर रही हूँ अपनी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस, और ये है मेरी टिप नंबर 1। क्योंकि अभी बहुत टाइम से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इसलिए यू नो राइटिंग की स्पीड बहुत स्लो हो गई है और राइटिंग भी थोड़ी बिगड़ गई है, क्योंकि हमने इतना लिखा नहीं, ऑनलाइन क्लासेस ही होती थी। बट अभी स्कूल खुल गया है और हम जाएंगे तो टीचर तो बहुत फास्ट लिखाती है, और बहुत फास्ट लिखना पड़ता है, और वो भी अच्छी राइटिंग में ताकि समझ आए। तो इसलिए मैं हर रोज़ कर रही हूँ राइटिंग की प्रैक्टिस, ये मेरा कल का है। और एक और टिप मैं बोलना चाहूँगी, कलर आप देख रहे हैं इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा है और मैंने चिपका चिपका के लिखा है, तो इसलिए आज मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ और थोड़ा खुला खुला लिख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूँगी तो पेज भरने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, पर अगर मैं थोड़ा सा बड़ा और खुला खुला लिखूँगी तो पेज जल्दी भर जाएगा। सो दैट्स ऑल्सो अ टिप दैट यू शुड फॉलो। और ये भी मेरी एक्चुअली 6th की बुक है, मैं पुराना ही चैप्टर लिख रही हूँ, मैंने सोचा कोई बात नहीं कुछ नहीं होता, इसी को रिवाइज कर लेते हैं। सो मैं लिख रही हूँ। सो नाउ आई एम एट द सैलून टू गेट माई हेयर डन, और अभी उन्होंने मेरे बाल में जो लगाया है उसे 15 मिनट्स तक रखना है और फिर उसे वॉश करना है। सो माई हेयर इज़ डन, और मैं मास्क निकाल लेती हूँ, कोई नहीं है। माई हेयर इज़ डन, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया, क्या करवाया। एक्चुअली मेरा इची स्कैल्प हो रहा था, थोड़ा सा डैंड्रफ भी हो रहा था, तो उसका हमने ट्रीटमेंट करवाया आज। और वैसे भी हम स्कूल जाएंगे, उसके लिए बाल एकदम परफेक्ट होने चाहिए, और डैंड्रफ जितना तो अच्छा नहीं होता, इसलिए उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और आप मेरे पास में अपनी दिख रहा है और कुछ खाने का मन कर रहा है, तो देखते हैं मम्मी कुछ दिलाएगी। अभी स्टेशनरी पे जाना है कि नहीं जाना? हाँ स्टेशनरी पे जाना है, तो चलो चलते हैं। So, हमने कर ली थोड़ी सी शॉपिंग और हम आ गए हैं वापस। तो मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या खरीदा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेन से। तो हमने ये 3 पेन लिए,
इनमें से एक पेन बॉल है, मुझे नहीं पता, शायद ये वाला बॉल है ना, दूसरा भी बॉल है, ये वाला भी बॉल है, सिर्फ आपका जेल है, सिर्फ मेरा वाला जेल है, मैं क्लिक जेल यूज करती हूँ क्योंकि भैया के लिए नहीं, हाँ भैया के बॉल वाले, मैं क्लिक जेल यूज करती हूँ क्लिक वाला, क्योंकि ढक्कन घूम हो जाता है पेन के बाल में, इसलिए ये वाला मेरे लिए और बाकी दो भैया के लिए, भैया बॉल यूज करता है। एंड नेक्स्ट है टेप, वो टेप का डिस्पेंसर होता है, वो वाली टेप है ये, और फिर रिफिल्स, दिस इज माय फेवरेट वन, स्टिकी नोट्स, इतने सारे, हमें लाइक सबसे अच्छा यही लग रहा था जिसमें सब कुछ था, तो हमने सोचा क्यों ना यही ले ले, मेरे पास वैसे है बहुत सारे स्टिकी पैड्स, फिर भी हमने और लिए, मैंने बोला था ना थोड़ा थोड़ा फालतू का सामान भी ले लेती हूँ। बट नेक्स्ट है ये दो पेपर्स, अब मैं आपको बताती हूँ ये दो पेपर्स हमने क्यों खरीदे, क्योंकि हमने लिया ये नोटबुक, ये स्पाइरल वाली नोटबुक है, और इसे लाइक मैं एज माय रफ नोटबुक यूज़ करूँगी जो भी स्कूल में क्लास वर्क होगा या असाइनमेंट्स होंगे उसके लिए, और इसके फ्रंट पेज पे हम ये चिपकाएंगे और इसके बैक पेज में हम ये चिपकाएंगे, ऐसे मतलब फ्रंट पे ये बैक पे ये वो करेंगे हम, क्योंकि मैं डिज़ाइन वाला ढूंढ रही थी तो डिज़ाइन वाला उनके पास सिर्फ डायरी था जो मुझे चाहिए नहीं था, सो हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। सो यस, अभी मुझे लग रही है भूख तो लंच करते हैं, एंड सो अभी मैंने अपनी ये स्पाइरल नोटबुक खोली है, और मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही चीप वे टू यू नो मेक कस्टमाइज्ड स्पाइरल नोटबुक, जिससे वो बहुत ही क्यूट दिखती है। सो ऐसे हम ऐसे अच्छे से डिज़ाइन वाली या पूरे प्रिंट वाली कुछ खरीदने जाएँ तो 200 या 300 में आ जाती है, बट दिस इज अ रियली चीप एंड यू नो अ क्रिएटिव वे, क्योंकि ये हमें नोटबुक 65 की थी, 60 तक मिल गई, और ये दोनों जो पेपर्स है जो हम इस पर चिपकाएंगे वो 10-10 के मिल गए, 20 तो हो गए 80 रुपीज़, नहीं तो हमें 200 या 300 देना पड़ता है, और इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो। तो सबसे लाइक पहले ये जो पेपर है उसको मैंने काट लिया इसकी शेप में, दोनों साइड्स को अच्छे से, अभी बस इनको ग्लू करना है, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, ग्लिटर्स डालना है, स्टिकर्स ऐड करना है, कर सकते हैं, सो यू नो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आपको जैसा भी बनाना है। सो दिस इज अ मोर चीप एंड कूल वे, और ये पेपर मुझे इतना ढूंढने के बाद फाइनली एक पेपर पसंद आया, तो चलो इसे चिपकाते हैं। ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट लग रहा है, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अपने आप से बहुत प्राउड फील हो रहा है। बस एक छोटी सी टिप, जब आप इसे मतलब स्टिक करोगे, मैंने कौन से ग्लू से किया था, मैंने फेवी बॉन्ड से किया था, उससे करना अच्छे से हो जाएगा। तो जब आप इसे स्टिक करोगे ऐसे, ये वाला पेज अलग से निकाल के करना, नहीं तो हो सकता है कि आपकी नोटबुक के सारे पेजेस साथ में स्टिक हो जाए ग्लू की वजह से। सो इनको साथ में ऐसे कर, और ये इतना अच्छा लग रहा है, इससे पूरा ऐसे वर्ड वाला फील आ रहा है, और मैंने बोला था यार बुक मार्क्स खरीद लेती हूँ, बुक मार्क्स चाहिए मुझे कुछ अच्छे, पर फिर मेरी मम्मी ने थोड़ा सा दिमाग चलाया, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड, जो पेपर बचा था हमने उससे ही बुक मार्क बना लिया, और ये इतना क्यूट है यार सच्ची में, ये छोटा वाला मैं भैया को दूंगी और खुद बड़ा वाला लूंगी, तो ये इतना क्यूट लग रहा है, मतलब आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बस उसको काटो और चिपकाओ फिनिश। और मेरे पास ये भी है, क्या बोलते हैं इसे, पंचर, पंचिंग, हाँ होल पंच वाला, तो इसको बीच में खोल करके, खोल करके उस पर रिबन लगा लो, हो जाएगा। सो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जो आई होप कि आपको हेल्प करेंगी, जैसे आप एक बहुत क्यूट नोटबुक और बुक मार्क्स कैसे बना सकते हो, और यू नो बहुत टाइम से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो हमारी राइटिंग की स्पीड बहुत कम हो गई है, और राइटिंग भी मेरी थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए हर रोज़ एक पेज लिखो, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, हिंदी भी मेरी थोड़ी सी वीक है तो आई ट्राई टू फोकस ऑन माई हिंदी,
और जैसे आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो ताकि वो अच्छे बन जाए। और बस मैंने आपको आज कुछ बताया जो मैं यूज़ करती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड आई होप कि आपको हेल्प किया हो। और अभी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बट आप इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि फिर मैं लाऊंगी इस वीडियो का पार्ट 2। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल, बाय।